जिंदा होकर जायका, मिला हो अक्षर ढायका। स्वादों से भरी प्लेट है, खुश फैमिली और पेट है, फिर जिंदगी तो ग्रेट है। वाह क्या टेस्ट है, 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 वाह क्या टेस्ट है। मिस्टर मार्क ट्वेन ने कही कहा था, एज इन मैंने पढ़ा था कि उन्होंने कहा था, The secret of success in life is to eat what you like and let the food fight it out inside. जब इतनी सारी variety cuisines की available हो and on top of it एक expert master chef हमारे साथ हो तो control करना जरा मुश्किल होता है. And after having such tasty food, दिल से तो यही आवाज निकलती है, वाह क्या taste है, क्या taste है, वाह क्या taste है. तो मैं आई हूँ आज फिर एक नई रेसिपी का मंत्र लेने। हम हैं ली मेरिडियन के उस महकते हुए कॉर्नर में, जहाँ पे हमारे मास्टर शेफ देवेंद्र कुमार आज फिर आके हमें एक नई रेसिपी, एक एक्साइटिंग रेसिपी बताने वाले हैं। तो देर किस बात की, वेलकम करते हैं शेफ डीके को। वाह क्या टेस्ट है। जी हाँ, वाह क्या टेस्ट है शो में आप सभी का स्वागत है। तो डीके, आज हम क्या बनाना सीखने वाले हैं आपसे? आज की जो रेसिपी है वो है मिर्ची का सालन। मिर्ची का सालन, वाओ साउंड्स इंटरेस्टिंग। इट्स अ डेलिकेसी फ्रॉम द सिटी ऑफ हैदराबाद। ओके। एंड आई वुड से फ्रॉम द रॉयल किचन ऑफ निजाम्स। वाओ डीके, मैंने कभी भी एक डिश ट्राई नहीं किया है, सो आई काउंट माय सेल्फ रियली लकी, बिकॉज मुझे टेस्ट करने को तो मिलने ही वाली है और गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है कि मैं सीखने भी वाली हूँ। श्रद्धा, आप ही नहीं, हमारे जो व्यूअर्स हैं बहुत एक्साइटेड है रेसिपी को सीखने के लिए, तो वेस्ट टाइम ना करते हुए लेट्स स्टार्ट इट। जी बिल्कुल, हमारे व्यूअर्स भी सीखने के लिए बहुत एक्साइटेड है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स बताएं। राइट, इसको बनाने के लिए सबसे पहले ये अचारी मिर्ची है, जो जिसको मीठी मिर्ची भी बोलते हैं जी, और सजमे जिसको तिल, मूंगफली, कोकोनट पाउडर, साबुत धनिया, जीरा, लाल सूखी मिर्ची, ऑयल, मस्टर्ड सीड्स, करी लीव, जिंजर, गार्लिक, अनियन पेस्ट, हल्दी पाउडर, इमली का पल्प पेस्ट एंड सॉल्ट। प्रिसाइसली, इंग्रेडिएंट्स देख के ऐसा लग रहा है कुछ बहुत ही जबरदस्त बनने वाला है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड डीके। दैट्स व्हाई श्रद्धा सेड इट्स अ डेलिकेसी फ्रॉम हैदराबाद। ऑलराइट, हियर वी गो। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पेस्ट बनाएंगे। विल टेक ए पैन, नॉन स्टिक पैन, हीट इट अप ऑन ए मीडियम हीट। We add these ingredients, that's sesame seeds, about 125 grams peanuts, 3 teaspoon of coconut powder, sabut dhania, teaspoon, 1 spoon jeera, 2-3 red chili. Dry red chili. इसको विल रोस्ट इट। जस्ट गोइंग टू रोस्ट इट। या। तो ये कितना टाइम लेने वाला है रोस्ट होने में? ठीक है। जस्ट अबाउट अ मिनट और टू। ये रोस्टिंग इसके लिए करने की, जो इसका फ्लेवर है वो एक सगवा बहुत अच्छा उभर जाता है इसका फ्लेवर, इसलिए रोस्ट करते हैं। कच्चे और इसमें बहुत फर्क आएगा। जी। डू दैट। You can cut your smell. Coconut की खुशबू बिल्कुल मेरे अंदर अंदर बिल्कुल नाक में जा सकती है। I can certainly feel it. Yeah. Just roast it well. You have to make sure that especially the coconut powder, which is grated coconut powder, should not get burned. It should just turn light golden color. All right. We transfer this mixture onto a bowl. इस रोस्टेड इंग्रेडिएंट्स को विल मेक ए पेस्ट इन ए फूड प्रोसेसर। आई यूज अनदर हियर, ऐड लिटिल वाटर, ट्रांसफर दिस मिक्सचर इनटू अ बोल। आई कैन सी द स्मूथनेस, सी यू कैन हैव स्मेल, यू नो लाइक
the flavor of peanuts and coconut, yes, right? Yes, I can certainly. Okay, really now next to me, we take another pan or a patili. You can use that. So this is the next step. Right. Now we will prepare the kind of gravy, as one would say. Sauce or something like that? Yes, we put some oil. As I say, you know, you can always use olive oil, yeah. Those who want to be very health conscious. But this, of course, contain extra calories because of sesame seeds and coconut, yeah. And so on. Yeah. But I say, to enjoy good food, sometime you have to forget those calories and yes. Indulge into this kind of cuisine, very which is, good. That's why it's called a delicacy from the city of Hyderabad, yes. Which is now, I think, it's called Telangana. Telangana, right? Yes, right? Yes. Okay, we add a tea. Now, as soon as the oil gets heated, add mustard seeds, curry leaves, ginger, teaspoon of garlic. You can get the aroma. Yes, this is onion paste. It's about one medium onion paste. Cook it for about a minute or so. तभी मैंने बोला कि ली मेरिडियन के उस महकते हुए कॉर्नर में, क्योंकि हर चीज यहाँ सिर्फ महकती है. एक महक जो कहते हैं ना कि जी. ये बहुत जरूरी है खाने में स्वाद के अलावा. बिल्कुल. Right? बिल्कुल. We cook it on a medium heat. As I just added about onion paste, one would say, why onion paste? Why not add chopped onion? मैं व्यूअर्स को बताऊंगा कि ये अनियन पेस्ट इसलिए है कि ग्रेवी को एक स्मूथ बनाने के लिए, बिकॉज ये इसकी जो ग्रेवी है काफ़ी स्मूथ है. देने के लिए. हैदराबादी क्विजीन ऑफ इंडिया, इट्स वेरी वेरी पॉपुलर क्विजीन एंड हैज इज यूनिक दैट ओवर द ईयर्स दिस क्विजीन हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस यू नो पीपल हु माइग्रेटेड टू इंडिया. So we are adding. It has influence of Turkish, Arabic, besides of course Mughlai, and just now we added haldi. Yeah. And now what next, chef? Now we'll add paste to it. The paste which we made. Okay. Keep stirring well. Cook it for about a minute or two. This is basically, you know, to kill the rawness. Flavor right. This ka. Will add pulp. Ye, imli ka pulp. Yeah, imli ka pulp. So ki humne warm water mein soak karke seedless and then make a kind of paste of pulp. Ye istemal kiya jata hai to give, you know, khatta taste to this gravy. It's a very 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 delicious and of course it's a rich dish. I can say ki ye recipe hi bahut different hai, yeah. I would say. We'll put some salt. Little water. Keep stirring again. Now what we'll do is, these jo mirchi hain, you generally use for achar and all. Mm-hmm. So they are also available in three colors. You have green, red, and yellow. When I make with three, I call it teen mirchi ka salan. Okay. When I make it with two, I call it do mirchi ka salan. And when I make it with green, I call it mirchi ka salan. All choice is yours. You can have three mirchi, you can have two mirchi, and you can have mirchi ka salan. Mirchi ka salan, kya baat right. hai. See, it's bubbling. Slow fire. I add chili to it. As it is? Yes, sabut. Wow. You see, I have not added too much of chili. Reason being, they are already chilies there. Yeah. So, what I added was suki chili. Right, chili. True. Ab kya hoga ki ye jo cook hoti jayegi, the jo peppers there, which are sweet peppers, वो अपना taste जो है ना, they will get merged with the sauce, जो gravy बन रही है, बहुत tasty है ये. But make sure it's on a very slow fire. इसको बिल्कुल sim आंच पे पकाना है. We add little more water. Okay. You see, well, as you cook these peppers, peppers also leave some moisture, you see. Okay. So you can always. So as I was saying, you know, like the salt and pepper and chili. Chili is as per your taste, as per swadanusar, one would say that. So we let it cook on a slow fire till
peppers get tender or oil comes to the surface. So that's the recipe. It's fragrance, everything. It's really nice. Well, mirchi ka salan bilkul taiyar hai. Isko dish out karte hai, jiske liye earthenware dish maine taiyar ki hai. Kehte hai ki it's all by illusion, it's your own thought process, it's your imagination ki isko kis bowl mein dena hai. आजकल तो आपको पता ही है दर्शकों को कि एक इनोवेशन और क्रिएटिविटी का जमाना है. जी बिल्कुल. सो वी ऑल एज शेफ्स आल्सो थिंक बियॉन्ड. तो इसको करते हैं, डिश आउट करते हैं. दीज आर द लाइव्स लवली चिलीज. इसका जो साबुत देखो जैसी है कि आई हैव नॉट इवन रिमूव इस स्टेम्स ऑल्सो. तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि हमने एज इट इज जो मिर्ची डाली है इसके अंदर टेस्ट जा चुका होगा अकॉर्डिंग टू. बिल्कुल, और टेस्ट जा चुका है एंड सेम इज इट्स बीन मिक्स विद द ग्रेवी एज वेल. या मिर्ची का टेस्ट ग्रेवी में, ग्रेवी का टेस्ट मिर्ची में. वाओ नाइस. इसको क्या करेगी, हल्का सा एक सूखी मिर्च, सूखी मिर्च, फ्राइड करी लीव्स and little what coriander oil. That's coriander oil, just to give it a har ek episode mein I would say koi na koi special oil introduce kar rahe hain bhai. Ye to hamare show ki khasiyat hai ki har episode mein ek nayi sindhi cheez dikhana aur khane ko ek naye andaaz se pesh karna. Ji bilkul, batana chahenge kuch coriander oil kaise banta hai sath hi sath. Same hai, you take a oil and add coriander to it. Basically heat up the oil, add coriander, leave it to rest for some time and strain it. That's it? Right. Okay, coriander oil bhi ban jayega. Right, here it's really lazeez mirchi ka salan. So finally it's time ki main taste karun. I would say ek ek ingredient ka flavor jo hai na isme aa raha hai. I can smell it. It is, it is. It's a very flavorful curry, you see. Yes, this is really delicious. This is very nice. I can't wait to have this. Actually, I would say, अभी मैंने सालन खाया है, तो मैं टेबल पे बैठ के ये चिली वगैरह सब कुछ ट्राई करना चाहती हूँ. जरूर, वो भी आप चावल या चपाती के साथ. जी बिल्कुल, why not? जब तक मैं ये फिनिश करती हूँ तब तक आप लीजिए एक क्विक रिकैप. वाह, क्या टेस्ट है. मिर्च का सालन. सबसे पहले एक पैन लीजिए, उसमें तिल, मूंगफली, कोकोनट पाउडर, साबुत धनिया, जीरा और सूखे लाल मिर्च को भून लीजिए और ठंडा करके पानी के साथ उसका पेस्ट बना लें. अब पैन में ऑयल गरम करें, उसमें मस्टर्ड सीड, करी पत्ता, जिंजर, गार्लिक, अनियन पेस्ट, हल्दी और बनाए गए पेस्ट को डालकर थोड़ी देर तक पकाएं. फिर उसमें इमली का पल्प और पानी डालकर कुछ देर और पकाएं. आखिर में स्वीट चिलीज डालकर 7 से 8 मिनट तक पकाएं. मिर्ची का सालन तैयार होने के बाद इसे सर्विंग बोल में डालें और गार्निश करें ड्राई रेड चिली, फ्राइड करी लीव्स एंड कोरिएंडर ऑयल से. वाह, क्या टेस्ट है. वाह, क्या टेस्ट है. We serve really nice food, Indian contemporary food there we serve, yeah. And this is one of the best dish we are serving here. And chili salan. And this is special dish we made it here. I can't even wait to have this. और बहुत सही कहा गया है कि खाने का टेस्ट और ज्यादा इनहांस हो जाता है अगर उसे परोसा बहुत खूबसूरती से जाए. Yes, you are exactly right. मैं वेट भी नहीं कर पा रही हूँ इसे स्टार्ट करने के लिए. इट्स ओके, थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा हमारे साथ शुरू और अच्छा लगेगा. बिल्कुल बिल्कुल. फूड दैट लुक्स गुड टेस्ट. यस, वेरी मच टेम्प्टिंग, टोटली माउथ वाटरिंग. नो, तो आई कांट वेट एनी मोर. जल्दी से स्टार्ट करते हैं. या ओके, यस, टेबल मैनर्स. Table manners, yes. So let's get started. Ladies first. Ladies first. Oh my God. Excellent. By the time मैं ये finish करती हूँ,
आप जाइए हमारी सेकंड सेगमेंट देखिए, ग्रैंडमास रेसिपी विद शेफ अनुज। वाह क्या टेस्ट है, हल्की तेज आंच भी हो, मसाला तड़का जांच भी हो, फ्लेवर भी अप टू डेट है, खुश फैमिली और पेट है, फिर सब कुछ ग्रेट ग्रेट है। वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वाह क्या टेस्ट है कि सेकंड सेगमेंट में आपका स्वागत है। दादी माँ की बहुत सी ऐसी रेसिपीज़ हैं जिनको हम काफ़ी बार ट्राई कर चुके हैं और बना भी चुके हैं, तो उसमें से एक रेसिपी है बेसन का पूड़ा। बचपन में हम लोग गाँव जाया करते थे तो दादी माँ हमें ऐसे ही बहुत सी चीज़ें खिलाया करती थी, जिनमें से एक बेसन का पूड़ा भी फेमस है। तो चलिए दादी माँ की परमिशन ले लेते हैं और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। दादी माँ स्टार्ट किया जाए। जी हाँ बिल्कुल, दादी माँ ने परमिशन दे दी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बेसन का पूड़ा बनाते हैं। तो बेसन का पूड़ा बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो है बेसन, कटा हुआ प्याज, कटा हुआ टमाटर, फाइनली चॉप किया हुआ अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया, जीरा, लाल मिर्च, गरम मसाला और नमक। तो सबसे पहले इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। लेते हैं थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा टमाटर। इसमें आप अपने मनपसंद की भी कोई भी सब्जी यूज़ कर सकते हैं जो इसको बिल्कुल कलरफुल बना दे और अट्रैक्टिव बना दे। तो मैंने तो बेसिकली दो ही चीज़ यूज़ करी है, थोड़ा सा चॉप जिंजर, थोड़ी सी ग्रीन चिली, थोड़ा सा धनिया, इसको मैंने हरा भरा बना दिया है बिल्कुल, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, अपने हिसाब से तीखा कर सकते हैं, मैंने ग्रीन चिली भी डाली है, रेड चिली भी डाली है, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा सॉल्ट। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, इसमें डालते हैं थोड़ा सा पानी, इसको अच्छी तरह से विस्क कर लेते हैं। कहते हैं दादी माँ बताती थी कि अगर बेसन को अच्छी तरह से मिक्स ना करो तो उसमें लम्स पड़ जाते हैं, और लम्स पड़ जाते हैं जब आप इसको पकाते हैं तो फिर वो वहाँ से ड्राई हो जाता है। तो चलिए हमारा बेसन के पूड़े के लिए बैटर तैयार हो चुका है। अब करते हैं पैन को गर्म करते हैं और उसमें डालते हैं थोड़ा सा ऑयल, करीबन एक या डेढ़ टीस्पून, और इसको थोड़ा गर्म करते हैं जिससे जो बैटर है हमारा उसमें उसको पका सके। गर्म हो चुका है तेल, चलिए मैं इसको कर देता हूँ कवर। जब हम लोग छुट्टियों पे अपनी दादी माँ के पास जाया करते थे तो दादी माँ सबसे पहले हमें कुछ ना हो यही खिलाया करती थी, क्योंकि इसके अंदर एक सारी चीज़ें ऐसी मिक्स होती थी कि जो अपना ही एक अलग टेस्ट दिया करती थी। जैसे अदरक, कहते हैं जुकाम खांसी के लिए अदरक बहुत अच्छी होती है, वैसे ही जीरा, जीरे की भी अपनी एक तासीर है कि जीरा भी बहुत गर्म होता है। तो ज़्यादातर जो बेसन का पूड़ा हुआ करता था सर्दियों में, दादी माँ इसे हमें बनाया करती थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब इसको मैंने कवर कर दिया था तो एक साइड से पक चुका होगा, तो इसको मैं इसकी साइड चेंज कर देता हूँ, जैसे कि ऊपर से भी पक गया है ये। इसको ढकने का यही फ़ायदा होता है कि स्टीम चारों तरफ लग जाती है, तो जिससे ऊपर भी पक जाता है और ज़्यादा कलर भी नहीं आ पाता, जिससे कहते हैं कि जलने का डर नहीं रहता है। क्योंकि जब इसको आप कवर कर देंगे तो ये जो स्टीम होती है ये पूरे ऊपर नीचे हर जगह से इसको पकाती है। ऑलमोस्ट अब तैयार है बेसन का पूड़ा, तो चलिए करते हैं इसकी प्लेटिंग। निकाल लेता हूं मैं इसको चॉपिंग बोर्ड पे। बेसन का पूड़ा जब हम गांव में हुआ करते थे तो दादी माँ टमाटर की चटनी के साथ बना दिया करती थी,
सिलबट्टे पे जो पिसी हुई टमाटर की चटनी हुआ करती थी वो तो मैं अभी यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन हाँ उसी से मिलती जुलती मिंट चटनी बिल्कुल मैं आपको दे रहा हूँ। तो तैयार है हमारा बेसन का पूड़ा। जब तक मैं जाता हूँ इसको दादी माँ के साथ टेस्ट करने के लिए, तब तक आप देखिए इसका एक क्विक रिकैप। बेसन का पूड़ा, सबसे पहले एक बोल में बेसन, बारीक कटे हुए प्याज, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च और धनिया डालिए। इसमें जीरा, लाल मिर्च, गरम मसाला, नमक डालकर अच्छे से मिलाएं। अब एक पैन में एक चम्मच ऑयल गरम करके बनाए गए बैटर को डालें और दोनों तरफ से सुनहरे होने तक पकाएं। वाह क्या टेस्ट है। सो फ्रेंड्स, आज हमने नई रेसिपी सीखी है एंड आई एम श्योर अगर इसी तरह आप और मैं हम सब मिलकर ऐसी रेसिपी सीखते रहेंगे तो हम बहुत जल्दी एक बहुत बेटर होस्ट बन जाएंगे। और हाँ, अगर आपके पास भी है अपनी दादी माँ या नानी माँ की कुछ स्पेशल रेसिपीज तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा मेल आईडी है wahkyataste@gmail.com और अगर हमारी दादी माँ को आई आपकी रेसिपी पसंद तो हम जरूर इंक्लूड करेंगे उसे अपने शो में, जिसे खाकर दिल बोलेगा वाह क्या टेस्ट है। वाह क्या टेस्ट है, 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 वाह क्या टेस्ट है।